इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीएल दुधीचुआ परियोजना के मनमानी रवैये से परेशान ग्रामवासियों ने महाप्रबंधक कार्यालय दुधीचुआ के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध। प्रदर्शन कर रहे ग्रामवासी व व्यापारियों ने बताया कि एनसीएल दुधीचुआ की मनमानी रवैये के कारण आए दिन हादसों का शिकार हो रहे ग्रामवासी, वहीं कोल डिस्पैच में लगी वाहनों से सड़कें भी हो रही क्षतिग्रस्त। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि कई बार दुधीचुआ एनसीएल प्रबंधक को पत्र के माध्यम से समस्याओं से अवगत भी कराया गया, लेकिन दुधीचुआ प्रबंधक अपने अड़ियल रवैये के आगे ग्रामवासियों की समस्याओं को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, जिसके कारण आज सभी व्यापारी गण अपने दुकानों को बंद कर एवं रहवासी महाप्रबंधक कार्यालय के गेट के सामने आकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि यदि हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो लगातार आमरण अनशन भी करने को मजबूर होंगे। देखें पूरी रिपोर्ट। किस चीज को लेकर आपने गड़ियाम किया? सबसे पहले तो आप पत्रकार महोदय का हम लोग सभी धन्यवाद करते हैं, जो आप सच्चाई दिखाने के लिए देश के चौथे स्तंभ हैं, इसके लिए भी हम सब आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। एनसीएल दुधीचुआ के द्वारा जो कोल डिस्पैच किया जा रहा है, जो कि एनजीटी का आदेश नहीं है, लेकिन एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करके लगातार हमारे रहवासी गांव से कोल डिस्पैच किया जा रहा है। सड़क के किनारे ये लोग अपनी गाड़ियां खड़ा करते हैं कोयले वाली, आए दिन जाम लगता है, कई एम्बुलेंस फंस जाता है उस सड़क पर, बच्चों की गाड़ी फंस जाती है। अगर कोई सोचे कि आपातकालीन हम कभी कभी हॉस्पिटल पहुंच जाए तो, लेकिन इनके हाईवा के माध्यम से जो लगातार जाम लगता है उसके कारण एक मरीज अपना एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देता है। इतना प्रदूषण उड़ता है कि हम सभी जो गांव वाले हैं, जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं, उस प्रदूषण से ग्रसित हो चुके हैं, कई लोगों को बीमारियाँ तक हो चुकी हैं। दुधीचुआ प्रबंधक को हम लोगों ने एक बार पत्र के माध्यम से सूचना दिया, इसके बाद कई बार हम लोग ने सूचना दिया। इससे पहले करीब 2 महीना पहले हम लोगों ने एक बार आंदोलन किया था, लेकिन दुधीचुआ प्रबंधक के द्वारा हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि सड़क के किनारे गाड़ियां नहीं खड़ी होंगी और हम सड़कों पर झाड़ू लगवाएंगे और जो भी सड़कें हमारे टेलर ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसको हम लोग भरपाई करवाएंगे, सड़क पर पानी छिड़कवाएंगे। लेकिन सारे वादे इनके बेबुनियाद और झूठे हैं। दुधीचुआ प्रबंधक के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि अपने तानाशाही रवैये के कारण हम लोगों का जीना हराम कर दिए हैं। हम सभी गाँव वालों का, हम सभी व्यापारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है और कई बार इन लोगों को बताने के बावजूद भी ये अपने आप को न जाने कैसा तानाशाह समझते हैं। अभी आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि सड़क के किनारे जो इनका ट्रांसपोर्ट का टेलर खड़ा होता है वो ना हो, दूसरा जो इनके कारण, इनके ट्रांसपोर्ट के कारण जो हाईवा द्वारा जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी भरपाई किया जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने ये चीज़ बोला था, सड़कों पर झाड़ू लगवाया जाए और कंटिन्यू पानी छिड़कवाया जाए और सड़क का दोहरीकरण कराया जाए। इनके हाईवा के कारण सड़कें पूरी ध्वस्त हो गई हैं। फिर से आश्वासन मिला तो आगे की रणनीति क्या होगी? इस बार आश्वासन नहीं रहेगा, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर हैं। इस बार मांगे पूरी होंगी या नहीं हम लोग यहीं अपना प्राण त्यागेंगे और जरूरत पड़े तो अनशन पर भी बैठने का काम करेंगे।